हे व्हाट्सअप गाइस, तो यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट 20 की न्यू अपडेट और रिलीज़ डेट के बारे में। तो एक मेगा अपडेट आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, यहाँ पर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर न्यू फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि न्यू अपडेट में लॉन्च होने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सीज़न नंबर 3 लॉन्च होगा मल्टीप्लेयर के लिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका जो किट बैग है मल्टीप्लेयर में होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक और बड़ी न्यूज़ है गाइज आप सभी के लिए, वो है फीमेल कमेंट्री के रिलेटेड। जैसे ही उन्होंने गेम लॉन्च किया था RC20, उसके बाद भैया फीचर्स तो काफ़ी बढ़िया था फीमेल कमेंट्री वाला, और इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसा भी लगाया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि गाइज, उन्होंने जितना फीचर बढ़िया था उतना ही उन्होंने उसको महंगा भी रख दिया। तो यहाँ पर किसी ने भी उसको परचेज़ करके एंजॉय नहीं किया है भैया, और फैंस भी काफ़ी ज़्यादा उनसे गुस्से में भी हुए कि भाई ये क्या बात हुई, इतना महंगा फ़ीचर। तो गाइज़, नेक्स्ट अपडेट में उस फीचर को वो बिल्कुल फ्री तो नहीं करेंगे, बट उसको काफ़ी ज़्यादा सस्ता करने वाले हैं, जिसके बाद मेरे जैसे लोग भी जो हैं उसको परचेज़ करके इंजॉय कर पाएंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है गाइज़। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर जो फीचर आने वाला है वो है न्यू स्टेडियम्स के रिलेटेड। आपको नेक्स्ट अपडेट में इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े न्यू स्टेडियम्स देखने को मिलेंगे, जिनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक भी होगी। तो ये यहाँ पर 3 न्यू स्टेडियम्स जो हैं वो भी आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पर जिस फीचर की मैं बात करने वाला हूँ, वो मेरी प्रिडिक्शन है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो आएगा या नहीं, बट मुझे लगता है कि गाइज उस फीचर को रियल क्रिकेट 20 जो है बहुत जल्द अपने गेम में लॉन्च करना चाह रहा है। और गाइज, वो है एक इंजरी वाला फीचर। ये एक ऐसा फीचर है जो अभी तक किसी भी एंड्रॉयड क्रिकेट गेम में लॉन्च नहीं हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट में मे भी इस फीचर को भी RC20 वाले लॉन्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर बात करते हैं स्टेडियम कस्टमाइजेशन की। तो इस फीचर्स को भाई RC20 के ऑफिशियल पेज पर बहुत ज़्यादा डिमांड किया है उनके फैंस ने, और जहाँ पर भी सोशल मीडिया पर हम देखें भैया, स्टेडियम कस्टमाइजेशन वाला फीचर्स जो है सभी लोग मांग रहे हैं RC20 में। तो इस फीचर्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि कितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतने ज़्यादा ही चांसेस होंगे फीचर्स के लॉन्च होने के, कि ये जो है नेक्स्ट अपडेट में हमको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर एंड पर वही वो मल्टीप्लेयर में जितने ज़्यादा बग्स हैं उनको भी फिक्स करेंगे। इसके साथ साथ गेम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं भाई खेलने में भी, तो इनको भी लॉग इन की प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करेंगे। तो ये एक बग फीचर्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि कब हमको RC20 का न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर अभी इतना जल्दी अपडेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भैया तब तक अपडेट नहीं आएगा जब तक WCC3 की कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती, क्योंकि इनका कंपटीशन अब होगा WCC3 के साथ। तो भाई, जैसे ही WCC3 लॉन्च होगी, जो कि 20 अप्रैल के बाद में लॉन्च होगी, उसके बाद ही ये अपना अपडेट लॉन्च करेंगे। हाँ, उससे पहले ये वर्क कर रहे हैं भैया, और अपडेट अच्छा से अच्छा ये बनाने की ट्राई करेंगे। तो गाइज, 20 अप्रैल तक आप सभी को वेट करना पड़ेगा इसके अपडेट की कोई भी न्यूज़ लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो टेक केयर।